तो स्वाभाविक है कि लाखों की संख्या में जारे कारीगरों उमटी जाए तो ए एक साथ एक दिवसे न जी सकता है। हवे सीधा ले जाइए आपने भारत सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस अत्यारे चाली रही है, आवो सांभळिए। कंटेनमेंट जोन्स हैं उनकी संवेदनशीलता को देखते हुए उसमें स्ट्रिक्ट पैरामीटर कंट्रोल होगा, यानी आपातकालीन चिकित्सा सुविधा और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने के अलावा कंटेनमेंट जोन के अंदर बाहर लोगों की आवाजाही नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन के भीतर किसी भी अन्य गतिविधि या कार्य की अनुमति नहीं है। कंटेनमेंट जोन के बाहर रेड जोन में देश भर में प्रतिबंधित गतिविधियों के अलावा कुछ अन्य एक्टिविटीज पर भी रोक होगी। साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स के परिचालन पर रोक रहेगी। बसों की इंटर और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट आवाजाही की अनुमति नहीं होगी। नाई की दुकानें, स्पा और सैलून बंद रहेंगे। मॉल्स तो बंद ही रहेंगे, पर शहरी क्षेत्रों में मार्केट्स और मार्केट कॉम्प्लेक्सेस में गैर जरूरी सामानों की दुकानों की अनुमति नहीं है। हालांकि जरूरी सामान वाली दुकानों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। स्टैंड अलोन शॉप्स, नेबरहुड यानी कॉलोनी की दुकान और आवासीय परिसर के भीतर जो दुकानें हैं वे हर तरह का सामान बेच सकती हैं। ग्रामीण क्षेत्र में मॉल को छोड़ हर तरह की दुकान की अनुमति है। रेड जोन में ई कॉमर्स सिर्फ एसेंशियल गुड्स के लिए अलाउड है। रेड जोन में कुछ बंदिशों के साथ ऑलमोस्ट सभी व्यावसायिक और निजी प्रतिष्ठानों की अनुमति दी गई है। अनुमति प्राप्त गतिविधियों के लिए लोगों एवं वाहनों की आवाजाही हो सकेगी। फोर व्हीलर्स में चालक के अलावा अधिकतम दो लोग बैठ सकते हैं और टू व्हीलर्स में पिलियन राइडर यानी पीछे की सीट पर सवारी की अनुमति नहीं है। रेड जोन के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक, कृषि इत्यादि गतिविधियों की अनुमति है, परंतु शहरी क्षेत्र में कुछ प्रतिबंध हैं। इन सिटू कंस्ट्रक्शन यानी मजदूर जहां साइट पर रहते हैं और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को भी छूट दी गई है। निजी कार्यालय आवश्यकता के आधार पर 33% स्टाफ के साथ कार्य कर सकेंगे। ऑरेंज जोन में देश भर में प्रतिबंधित गतिविधियों के अलावा बसों की इंटर और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट आवाजाही भी प्रतिबंधित है तथा टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स को केवल एक ड्राइवर और दो यात्रियों के साथ आवाजाही की अनुमति है। फोर व्हीलर्स में चालक के अलावा अधिकतम दो यात्री होंगे। यहाँ टू व्हीलर्स में दूसरी सवारी की अनुमति है। ग्रीन जोन में देश भर में प्रतिबंधित गतिविधियों के अलावा अन्य सभी गतिविधियों की अनुमति दी गई है। हालांकि बसों का परिचालन अधिकतम 50% बैठने की क्षमता के साथ किया जा सकेगा और बस डिपो भी अपनी 50% क्षमता के साथ ही संचालन कर सकती हैं। मैं आपके माध्यम से एक बार फिर लोकहित में लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए और COVID-19 की चेन तोड़ने के लिए सभी जो हमारे राष्ट्रीय निर्देश है उनका सार्वजनिक स्थानों पर और कार्यस्थलों पर अनुपालन करने का अनुरोध करती हूं। धन्यवाद। हेल्थ मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव प्लीज। अब तक टोटल 11,706 लोग क्योर हो चुके हैं और अगर हम पिछले 24 घंटे में देखें तो 1,074 पीपल हैव बीन क्योर्ड। इट इज सच ए पॉजिटिव न्यूज दैट दिस इज द हाईएस्ट नंबर इन टर्म्स ऑफ क्योर पेशेंट नोटेड टिल डेट। और इसके साथ ही हमारा रिकवरी रेट अब देखें तो है बढ़कर 27.52% हो चुका है। पिछले 24 घंटे में भारत में अगर COVID-19 के कंफर्म केसेस की संख्या देखें तो 2,553 केसेस बढ़े हैं, जिसके कारण की कुल कंफर्म संख्या अब 42,533 हो चुकी है। टोटल एक्टिव केसेस अंडर मेडिकल सुपरविजन की संख्या 29,453 है। अगर हम सभी अपने क्लोज केसेस को डेटा के बेसिस पर एनालिसिस करें और एक आउटकम रेशियो कैलकुलेट करें, आउटकम रेशियो मींस कि जो हमारे केसेस क्लोज हो चुके हैं उनका आउटकम यानी कि क्या वो रिकवर हुए हैं या डेथ रिपोर्ट हुई है उसके टर्म्स में मेजर करते हैं। यह हॉस्पिटल में क्लिनिकल मैनेजमेंट के स्टेटस को इंडिकेट करती है। तो इससे पहले हम लोगों ने 17 अप्रैल में जैसे बातचीत की थी तो पाया था कि देश में आउटकम रेशियो 80:20 नोट की गई थी और उसके कंपैरिजन में अगर हम आज का डेटा देखें तो पाते हैं कि हमारी आउटकम रेशियो बढ़कर 90:20 नोट की गई है, जो कि 17 अप्रैल के डेटा से इम्प्रूवमेंट के रूप में हम देख सकते हैं।
ये वैसे तो जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि देश के लिए हर एक डेथ कंसर्न का विषय है, इसीलिए जरूरी है कि हम कोविड के ट्रीटमेंट की डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, फोकस करें कि हम अपने इस आउटकम को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। आज जैसे कि लॉकडाउन हमारे देश के कुछ हिस्सों में स्टैगर्ड मैनर में ईज हो रहा है, तब हमारे लिए जरूरी है कि हम ये इंश्योर करें कि रिग्रस कंटेनमेंट मेजर्स वहां लिए जाए पर कि केस पाए गए हैं, हम ये इंश्योर करें कि जितने भी हमारे केस हैं उसका इफेक्टिव क्लिनिकल मैनेजमेंट हो, और साथ ही हम इन्फेक्शन प्रिवेंशन और कंट्रोल पर भी अपना फोकस रखें। ऐसे पैंडेमिक्स में इससे पहले भी हिस्टोरिकली यह नोट किया गया है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग का रिलैक्सेशन यानी कि जब हम सोशल मोबिलिटी अलाउ करते हैं उस समय पर सही ढंग से पालन ना हो और रिस्ट्रिक्शन को सही ढंग से इस्तेमाल ना किया जाए तो सडनली डिजीज ट्रांसमिशन रेट फिर से इंक्रीज हो सकता है। इसलिए लॉकडाउन के बेनिफिट्स को बनाए रखने के लिए हमें सबको मिलकर यह इंश्योर करना होगा कि हम सब अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और लॉकडाउन ईज होने के समय पर भी सभी प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस का डिलीजेंटली पालन करें। देयर इज ए वेरी फाइन लाइन, कॉम्प्लेसेंट होंगे तो फिर से केसेस की संख्या बढ़ सकती है। दूसरी ओर जिन जिले में केसेस अभी तक रिपोर्ट नहीं हुए हैं वहां पर अगर केस आएंगे तो वहां पर फिर से रेस्ट्रिक्शन लागू की जा सकती हैं। हम एक नए नॉर्मल में ट्रांजिशन कर रहे हैं, जरूरत है कि हम सब लोग सावधान रहें, सजग रहें और सतर्क रहकर कोविड-19 से निपटने की अपनी तैयारी को इसी स्पीड और मोमेंटम के साथ बढ़ाते रहें। हमें पब्लिक स्पेसेस में कंपल्सरली फेस मास्क या कवर्स को यूज करना है। इवन आउटसाइड कंटेनमेंट जोन में भी हमें सभी प्रिवेंटिव मेजर्स और सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का पालन करना है। इसेंशियल आइटम्स को भी खरीदते समय या कॉमन एरियाज में किसी से मीटिंग करते समय भी जो रिलैक्सेशन वाले एरिया हैं वहां पर भी हम भीड़ भाड़ से बचें। लेटेस्ट फिजिकल डिस्टेंसिंग मेजर्स का पालन करें, हैंड हाइजीन, एनवायरमेंटल हाइजीन और रेस्पिरेटरी हाइजीन जैसे प्रिवेंटिव मेजर्स को हमें डिलीजेंटली फॉलो करने की जरूरत है। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जरूरत है कि जान भी है जहान भी है, और उसको सुनिश्चित करने के लिए आज जब हम लॉकडाउन को थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं तो जरूरत है कि हम सब लोग मिलकर इस दिशा में प्रयत्न करें कि हम लॉकडाउन ईज करने के समय पर भी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए इस तरह से इंश्योर करें कि केसेस की संख्या ना बढ़े। प्लीज हेल्प अस टू हेल्प यू। धन्यवाद। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं चेयरमैन एम्पावर ग्रुप 6, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर से कि वो आपको अपने एम्पावर ग्रुप के बारे में ब्रीफ करें। सर, मैं एम्पावर ग्रुप 6 जो कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओस, सारे डेवलपमेंट पार्टनर्स, इंडस्ट्रीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस से डील करता रहा है, मैं उसका चेयरमैन हूं। और इस ग्रुप ने जो जो काम किया है इसके बारे में मैं एक लिखित प्रेस रिलीज दे रहा हूं, पर मैं ये बताना चाहूँगा कि एम्पावर्ड ग्रुप 6 का जो सबसे महत्वपूर्ण काम रहा है कि इसने जो हमारे एनजीओ दर्पण में 92,000 सिविल सोसाइटी